हेलो एंड आई एम मोहित एंड टुडे वी आर कवरिंग स्टोरी थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास सेवंथ इंग्लिश हनीकॉम एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक आपको किस तरह की वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल लग रही हैं ज़्यादा एक्सप्लेनेबल लग रही हैं एक वो जो कि वीडियोज़ विजुअल इफेक्ट्स के साथ आ रही हैं विद वर्ड मीनिंग विजुअल इफेक्ट और एक्सप्लेनेशन और दूसरी जो जो कि ये है फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर की डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है तो आपको दोनों में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा एक्सप्लेनेबल हेल्पफुल कौन सी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लेट्स गो फॉर दिस चैप्टर नाउ सो अ किंग हैज थ्री क्वेश्चन एक किंग है जिनके पास में थ्री क्वेश्चन होते हैं एंड ही इज सीकिंग आंसर टू दैम और वो उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं वट आर द क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्या है डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट क्या किंग को वो आंसर्स मिलते हैं लेट्स फाइंड आउट दिस चैप्टर द थाट केम टू अ सर्टिन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स एक सोच एक थॉट आता है किंग के माइंड में कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो जानता हो तीन चीज़ों के बारे में दीज थ्री थिंग्स पर वो तीन चीज़ें थी वट इज़ द राइट टाइम सही वक्त क्या है टू बिगिन समथिंग किसी काम को शुरू करने का या किसी की शुरुआत करने का विच पीपल शुड ही लिसन टू उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए वट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए ये तीन क्वेश्चन थे जिनका वो आंसर्स ढूंढ रहा था द किंग देफ सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम सो इसके लिए जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेज देता है प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु आंसर दिस क्वेश्चन एक प्रोमिस के साथ कि वो उस व्यक्ति को उस पर्सन को एक लार्ज सम ऑफ मनी देगा बहुत सारी मनी देगा जो इन थ्री क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली बहुत से सेंसिबल मैन वाइज मैन आए और किंग के पास में सबने अलग अलग आंसर दिए इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल कुछ ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली और उसे बाद में फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली पूरे रूल के रेगुलेशन के साथ में ओनली इन दिस वे सेड कुड ही डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि जो किंग है वो हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पर कर सकेंगे अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड और कुछ ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है डिसाइड करना इन एडवांस द राइट टाइम किसी सही वक्त को एडवांस में ही पहले ही उसको डिसाइड करना कि यह सही वक्त है कुछ किसी काम को करने के लिए इम्पॉसिबल है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन किंग को सिर्फ नोटिस करना चाहिए सब कुछ जो चल रहा हो अवॉइड फुलिश प्लेजर्स और बिना फालतू के जो फुलिश प्लेजर्स लाइक फॉर एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी काम होते हैं जो मतलब जो जरूरी नहीं है उनको नहीं करना चाहिए एंड ऑलवेज़ डू वट एवर सेम नेसरी एट दैट टाइम और हमेशा वही करना चाहिए जो उस वक्त पे नेसेसरी जरूरी लग रहा हो एक सजेशन ये था येट अदर सेट दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रोपर टाइम तो कुछ ने कहा कि किंग कि के पास एक काउंसिल होनी चाहिए एक मंत्रियों वाली पूरी वो टीम होनी चाहिए मंत्री होनी चाहिए काउंसिल होता है ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स जो हेल्प करने के लिए होते हैं जो कि एडवाइस देते हैं मंत्री बोलते हैं जिनको कैबिनेट जैसे हैं तो वो होना चाहिए जो कि सही टाइम का सही टाइम पे बताते रहें दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल क्योंकि ये इसलिए है एक काउंसिल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मैन के लिए सही वक्त को ढूंढना इम्पॉसिबल है टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्राम अदर्स बिना किसी की हेल्प लिए एक मैन कभी भी सही वक्त का अंदाजा नहीं लगा सकता दर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन सो फॉर दैट एक काउंसिल होनी चाहिए तो एक सजेशन ये भी आया बट देन अदर्स एड दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट पर इसी के अपोजिट किसी ने कहा अगेंस्ट जाकर किसी ने कहा डिबेट में कि कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बहुत अर्जेंट होते हैं दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल और ऐसे काम होते हैं जो कि वेट नहीं कर सकते किसी काउंसिल के डिसीजन का कि कब काउंसिल डिसीजन देगी और कब उसको अप्लाई किया जाएगा इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसका वेट नहीं किया जा सकता इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग सही वक्त को तय करने के लिए किसी काम के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर सही काम तभी सही होगा जब हमें फ्यूचर पहले से पता होगा तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें फ्यूचर का पता हो हम फ्यूचर को देख लें एंड ओनली मजिशियन को डू दैट और सिर्फ मजिशियंस ही हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू मजीशियन तो इसके लिए किंग को मजिशियंस के पास जाना चाहिए अब ये एक सजेशन आ गया इन दियर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन ये तो पहले वाले थे वो सारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में थे अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए पहले हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद उसके आंसर में जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू किंग को किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए चलिए शुरू करते हैं इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेट दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इज काउंसलर्स तो कुछ ने इसके यानी कि सजेशन में कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेसेसरी है किंग के लिए वो उनके काउंसलर्स होते हैं तो काउंसलर्स को सुनना चाहिए अदर सेट द प्राइस्ड तो कुछ ने कहा प्राइस्ड होने चाहिए जो पंडित पुजारी ब्राह्मण होते हैं वो जो कि आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते थे तो वो रखते थे ऐसे होते थे यानी ब्राह्मण जो होते थे या उनके साथ में एक पुजारी रहता था तो प्राइस्ड होते थे उनकी बात हो रही है पंडित जो बता सकें अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर तो कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी है भाई एंड येट अदर्स सेट दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी और कुछ ने कहा कि जो सोल्जर्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं और टू द थर्ड क्वेश्चन अब जो थर्ड क्वेश्चन की बात आ जाती है कि थर्ड क्वेश्चन क्या था थर्ड क्वेश्चन ये था कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है जो करना चाहिए टू द थर्ड क्वेश्चन सबसेट ना साइंस कि साइंस के ऊपर ज़्यादा काम किया जाना चाहिए अदर चूज फाइटिंग तो कुछ ने कहा कि फाइटिंग के ऊपर ज़्यादा किया जाना चाहिए एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप और कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप धर्म जो होते हैं दान उनके ऊपर ज़्यादा देना चाहिए हमें उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए तीन क्वेश्चन के लिए इस तरह के सजेशन जो आए हैं ये वाले थे एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन व सो डिफरेंट क्योंकि जो किंग के क्वेश्चन थे उनके आंसर्स इतने डिफरेंट थे द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड अब जो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं होता एंड गैव नो रिवार्ड सो उसके लिए कोई रिवार्ड भी नहीं देता किसी को एंड स्टेड ही डिसाइडेड टू सिक द एडवाइज ऑफ अ सर्टेन हरमिट तो उसके बाद में इन सबसे जो एडवाइज़ लेने से अच्छा है वो सोचता है कि उन्हें हरमिट से एडवाइज़ ली जाए ढूंढा जाए हु वॉज वाइडली नोन फॉर इज विजडम जो कि उस विजडम के यानी जहाँ उसका किंगडम था उस विजडम के लिए वो एक जाना माना हरमिट था, था। हरमिट होता है

वो किसी को नहीं मिलता था सिवाय सिंपल पीपल सिंपल से लो, सामान्य लोगों के एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ सो इसके लिए किंग है वो एक नॉर्मल ऑर्डनरी पर्सन बन के जाने की सोचता है तो इसके लिए वो क्लोथ्स वगैरह ऑर्डनरी क्लोथ्स पहन लेता है बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्ट इससे पहले कि वो हरमिट की हर्ट तक पहुँचता द किंग लेफ्ट इज़ हॉर्स विद इज बॉडी गार्ड अपने जो बॉडी गार्ड और जो हॉर्स हैं उन्हें वहीं रोक देता है एंड वेंट ऑन अलोन और वहाँ से पैदल चल वहाँ से अकेला ही चलना शुरू हो जाता है एज द किंग केम नियर दरमिट सर जैसे जैसे जो किंग है वो हरमिट की जो हट है उसके पास आता है वो देखता है कि जो हरमिट है वो डिगिंग कर रहा होता है ग्राउंड में ग्राउंड uh, में digging, digging होता है खोदना तो वो वहां पे खोद रहा होता है जमीन को ही ग्रीटेड द किंग और जब वो किंग वहाँ पहुंचता है तो वो जो हरमिट है वो ग्रीट करते हैं वेलकम करते हैं किंग का एंड कंटिन्यू डिगिंग और अपनी जो काम है वो उसको कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं द हरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक अब जो हरमिट है वो ओल्ड थे और वीक थे एंड एज ही वर्क जैसे जैसे वो काम कर रहे थे ही ब्रेथ हैवली और वो सांस भी भारी भारी ले रहे थे यानी वो थक चुके थे द किंग वेंट अप टू दरमिट एंड सैड अब जो किंग है वो हरमिट के पास जाते हैं और बोलते हैं आई हैव कम टू यू वाइज हरमिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री कश मैं आपके पास आया हूँ वाइज हरमिट टू आस्क यू आंसर मैं तीन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपके पास आया हूँ हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम मैं किस तरह से सीख सकता हूँ सही काम को सही वक्त पर करना हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है एंड वट अवेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और किस तरह के काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं द हर्मिट लेसन टू द किंग जो हर्मिट है उसने किंग की बात को सुन लिया बट डिड नॉट स्पीक पर कोई कुछ भी बोला नहीं रिप्लाई नहीं दिया ही वेंट ऑन डिगिंग और अपना जो काम था वो उसको करते रहे डिगिंग वाला यू आर टायर्ड सैड द किंग अब किंग कहते हैं फिर से अरमिट को कि आप थक चुके हैं लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस तो वो कहते हैं कि मुझे स्पेड दे दिए स्पेड बोलते हैं ये पिक्चर में देखो ये डिगिंग टूल है ना इसको बोलते हैं स्पेड तो वो बोलते हैं कि वो किंग बोलते हैं अरमिट को कि ये स्पेड मुझे दे दीजिए और मैं अब आपकी जगह काम करता हूँ थैंक्स द द द गिविंग गिविंग किंग्स पैड गिव किंग हिज पैड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड तो वो हरमिट उसे थैंक बोलते हैं और ग्राउंड पर बैठ जाते हैं पैड दे देते हैं उसके बाद वैन द किंग हैड टू बैड्स जब किंग ने टू बैड्स को काम कर दिया था ड कर दिया था बैड्स होता है स्माल पैचे ऑफ ग्राउंड ऑफ ग्राउंड फॉर प्लाट्स प्लांट्स को जैसे रोपने के लिए जो गड्ढे किए जाते हैं उसको कहते हैं बेड्स क्यारियाँ है टाइप बना दी थी ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन तो वो उसने अपना काम जो किंग था उन्होंने दो बेड्स करने के बाद में काम रोक दिया और फिर से वो क्वेश्चन को रिपीट किया द हरमिट गै नो आंसर इस बार भी हरमिट ने कोई आंसर नहीं दिया बट स्टूड अप और खड़े हो गए स्ट्रेचिंग आउट हीज हैंड फॉर द स्पेड और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया और स्पेड मांगने लगे And said, और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए बट द किंग डिड नॉट गेव एम एंड ने स्पैड को नहीं दिया और काम करना जारी रखा वन आर पास एक घंटा बीत चुका था उसके बाद में एक और बीत गया द सन वैंड टाउन बिहार था वो नीचे जा चुका था एंड एट लास्ट द किंग स्पैड इन टू द ग्राउंड एंड सैड और लास्ट में जो किंग था वो उसने क्या किया जो स्पैड थी उसको ग्राउंड में रोक दिया और कहा आई केम टू यू वाइज मैन मैं आपके पास आया वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन मेरे जो क्वेश्चन है उनके आंसर के लिए इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते टेल मी सो मुझे बता दीजिए एंड आई विल रिटर्न होम मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा हेयर कम समन रनिंग सेट द हरमिट तभी हरमिट बोलते हैं ज़ोर से कि कोई भागता हुआ यहाँ आ रहा है और उसके बाद में कंपैरिजन चेक है और उसके बाद में पार्ट सेकेंड है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आई होप आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए थैंक यू